वेलकम टू माय चैनल हैंडीक्राफ्ट। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके लड्डू गोपाल के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी चीज़, जो कि है लड्डू गोपाल का फूल बंगला। ये जो मैंने बनाया है, ये आप अपने लड्डू गोपाल के आसन के पीछे अगर रखेंगे तो लड्डू गोपाल का जो पीछे का व्यू है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग आएगा। इसको बनाने के लिए मैंने लिया था एक कार्डबोर्ड, उसको मैंने रेक्टेंगुलर शेप में कट कर लिया था। उस रेक्टेंगल को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। उसका जो फर्स्ट और लास्ट पार्ट था वो मैंने इक्वल साइज के कट कर लिए थे बीच में से, और जो मिडिल पार्ट था उसको मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया था। तो इस रेक्टेंगल में 2 हो गए रेक्टेंगल और 1 हो गए स्क्वायर। स्टार्टिंग में मैंने स्क्वायर में डेकोरेशन करने के लिए वूलन की जो लेस होती है उसको क्रॉस सेक्शन में लगा दिया। उसके बाद में वूलन की लेस के साथ में मैंने लिया है गोटा पत्ती का लेस, इसको भी मैंने वूलन के अकॉर्डिंगली क्रॉस सेक्शन में लगाया है। सबसे पहले मैंने स्क्वायर जो शेप थी उसमें लगा दिया, और बाद में जो रेक्टेंगुलर शेप आगे और पीछे थी लेस को मैंने क्रॉस सेक्शन में डेकोरेट करने के बाद में इसकी साइड्स को डेकोरेट करने के लिए मैंने ली है गोटा पत्ती वाली लेस। आप अगर कोई सी भी लेस लें तो चलेगा, जो आपके पास अवेलेबल हो या फिर जो आपको पसंद आई हो वो लेस। इसकी सारी साइड्स में मैंने इसको लेस से डेकोरेट करना है। इक्वल साइज में कट करके हम लेस को इस पे चिपका देंगे। और हाँ, जो बीच का स्क्वायर शेप था उसके नीचे हमने थोड़ा सा पार्ट रखना है ताकि वो लड्डू गोपाल जी के आसन के ऊपर आ सके। इस लेस को जो है हमने ग्लू गन की हेल्प से अच्छे से चिपका देना है। लेस चिपकने के बाद में ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, और जो लेस की जो एक्स्ट्रा साइड्स जो बच गई है उनको कट कर लेंगे ताकि इसकी फिनिशिंग जो है वो अच्छी आ जाए। साइड्स ऑड ना लगे इसके लिए हमने कार्डबोर्ड की जो लेस लगाने के बाद में जो भी कार्डबोर्ड की साइड्स दिख रही है उसके ऊपर भी मैंने लेस से डेकोरेट किया है। लेस से डेकोरेट करने के बाद में मैंने लिए हैं ये रिबन के फ्लावर्स जो कि मैंने घर पे बनाए हैं। रिबन के फ्लावर्स लेके मैंने इसके सारे कॉर्नर्स पे इनको ग्लू गन की हेल्प से अटैच करना है। ये मैंने रेड कलर के रिबन से बहुत ही प्रीटी से फ्लावर बनाए हैं। रेड कलर के पास में मैं छोटे छोटे ग्रीन कलर के फ्लावर्स भी ऐड कर रही हूँ। इनको ग्लू गन की हेल्प से अच्छे से चिपकाना है ताकि ये फ्लावर्स जो है वो निकल नहीं जाए। इसके बाद में जो गोटा पत्ती के रेडीमेड फ्लावर्स मार्केट में मिलते हैं उनको मैंने ग्रीन और रेड लेस के क्रॉस सेक्शन पॉइंट पे इस तरीके से ग्लू गन की हेल्प से चिपकाना है। और इसके बाद में आएगा इस बंगला का फाइनल लुक, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। आप इसको ज़रूर बना के देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। This is the final look. Bye bye.